अरे यार सुबह हो गई, जल्दी उठना था यार। आज तो मेरा भाई आने वाला है घर में। अरे यार पर ये शिनचैन कहाँ पे है? शिनचैन को बाद में ढूंढते, पहले मैं जाके नहा लेता हूँ यार, क्योंकि ना मेरे भाई को ऐसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सुबह उठ के नहाते नहीं है। तो हम जल्दी से हम ना नहा लेते हैं। अरे यार मेरे भाई की वजह से मेरे को सुबह सुबह इतने ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ रहा है यार। आज के लिए इतना नहाना बहुत है यार, अभी बाहर निकल जाऊँ जल्दी से। अरे ओ शिनचैन तू ये क्या कर रहा है? फिशिंग कर रहे। अरे पागल इंसान, ये चोप का स्विमिंग पूल है, इसमें फिश कहाँ से आ गई? और ये फिश कहाँ से निकली? इतनी छोटी छोटी फिश कहाँ से आई यार? अरे फेंकी भैया मुझे नहीं पता चोप के स्विमिंग पूल में फिश कहाँ से आई, देखो ना कितनी सारी फिश निकल गई इसमें से। अरे यार जल्दी से सबको साफ कर दे, मेरा भाई आने वाला घर में आज। क्या, कौन सा भाई आने वाला है आपका? अरे यार शिनचैन तो फिशिंग को छोड़ जाके कुछ खाने का बंदोबस्त कर यार। ठीक है अभी जाता हूँ, बताओ खाने के लिए क्या लेके आना है। जा किचन में जा, जल्दी से जाके कुछ बना ले, मैं तब तक ना ये फिश वगैरह साफ कर देता हूँ यार। हाँ ठीक है कर दो। अरे ओ पागल इंसान, ये गमला क्यों गिर दिया तूने? अरे गलती से गिर गया, खुद उठा लो ना, मैं जाके किचन में कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। चलो यार पहले तो मैं ये सारी की सारी फिशेज जो है ना यहाँ से साफ कर देता हूँ जल्दी से। ये फिशिंग का काम तो साफ हो गया, बट ना यार मेरे को लगता है मेरे को फिर से नहाना पड़ेगा यार। इस फिश को उठा के मैं फिर से गंदा हो गया हूँ। अभी ऊपर जाके देखता हूँ कि शिनचैन ने खाने के लिए क्या रेडी किया, पर उससे पहले मेरे को कपड़े पहनने पड़ेंगे। चलो पहले मैं कपड़े पहन लेता हूँ। आज तो ना बहुत ही तड़कता फड़कता सूट पहनना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरा भाई जो है ना बहुत ही ज्यादा अमीर है यार। अगर उसने देख लिया ना कि मेरे कपड़े इतने खराब से पहने मैंने, वो तो छोड़ेगा नहीं मुझे। आज के लिए ये वाला सूट बहुत ही मस्त लगेगा यार, मेरे को तो ये वाला सूट बढ़िया लग रहा है। चलो हम तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी जल्दी से ना ऊपर चल के देखते हैं कि शिनचैन ने खाने के लिए क्या तैयार किया है। अरे ओ शिनचैन खाने के लिए क्या बनाया है? अरे ओ फेंकी भैया मेरे को खाना नहीं बनाना आता, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। अरे यार क्या किया ये तूने? मैंने तेरे को बोला था ना कुछ खाने के लिए बना ले। अरे फेंकी भैया मुझे नहीं खाना बनाना, तो तुम्हें क्या करूं, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, वो थोड़ी देर तक आता ही होगा। चल ठीक है शिनचैन, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता ना तब तक हम जो है ना अपने किचन की सफाई वगैरह कर लेते हैं यार। अरे फेंकी भैया वो सब तो मैंने पहले ही साफ कर दिया। अरे वाह यार शिनचैन ये तो तूने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। अरे शिनचैन ये देख तो सही, यहाँ पर भी कितना ज्यादा गंद डल रखा है यार, इनको भी सबको जल्दी से साफ क्लियर करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी कर दो। चल शिनचैन ये सब कुछ भी मैंने साफ कर दिया, सारा का सारा टेबल क्लियर हो गया है, अभी ना बस वो बंदा आ जाए जल्दी से जो हमारा सामान लेके आ रहा है। अरे फेंकी भैया बाहर गेट खड़का, देखो जल्दी बाहर कौन है। हाँ शिनचैन अभी चेक करता हूँ यार कौन आया है बाहर। अरे फेंकी भैया हमारा सामान आ गया। अरे तूने पिज्जा ऑर्डर किया था क्या? हाँ फेंकी भैया मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था साथ में कोक। चल ठीक है शिनचैन इसको ना जल्दी से उठा के अंदर लेके चलते हैं। हाँ अभी उठाता हूँ। चल ठीक है शिनचैन, पिज्जा तो हमने यहाँ पर रख दिया, मेरा भाई जो है ना थोड़ी देर तक खाता ही होगा। अरे फेंकी भैया वो सब तो ठीक है, पर आपका भाई है कौन ये तो बता दो मुझे। जब वो आएगा ना तो तू खुद ही देख लेना यार। ठीक है फेंकी भैया। अरे यार कितने गलत जगह पे घर ले रखा है, कितनी भीड़ी भीड़ी यहाँ पर गलियां है यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मेरे को इसका घर आने का। मेरी गाड़ी कहीं यहाँ पर खराब ही ना हो जाए। चलो मैं ऐसा करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को ना यहीं पर ठिकाने लगा देता हूँ, उसके बाद फ्रैंकलिन के घर के अंदर चलता हूँ। अरे शिनचैन सुनना, मेरे को लग रहा है कि मेरा फ्रेंड बाहर आ चुका है, चल बाहर जाके देखते हैं। ठीक है फेंकी भैया जल्दी चलो। शिनचैन देख मेरा भाई आ चुका है यार। हेलो ले मार्क कैसा है यार तू बहुत दिनों के बाद दिखा। अरे फ्रैंकलिन हेलो यार क्या हाल चाल है तुम्हारा? और ये देख मैंने एक नई गाड़ी ली है, देख के बता तो सही कैसी लग रही है तेरे को? ये वाली रोल्स रॉयस तूने कब ली यार? ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे सारी बातें घर के बाहर खड़ के ही कर लेगा क्या, घर के अंदर लेके जाएगा क्या? अरे अरे सॉरी मैं तेरे को घर के अंदर लेके जाने भूल गया, आज जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। ये है आपके भैया। हाँ शिनचैन ये मेरा भाई है, चल पहले ना हम अंदर चलते हैं यार, आ जा तू भी अंदर आ जा। ये देख ले मार ये मेरा छोटा सा आशियाना है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। अरे वाह यार फ्रैंकलिन तेरा घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ यार बहुत ही बढ़िया तो हम इसको नहीं बोल सकते, बट ठीक है मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है यार। हाँ यार तेरा घर तो बहुत ही मस्त लग रहा है मेरे को। चल यार लेमार पहले हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद तू मेरे को बताना कि तू इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। वो तो मैं तेरे को बता दूंगा, पर मेरे को कुछ खाना पीना नहीं है, चल बाहर कहीं घूम के आते हैं। अरे यार बाहर घूमने तो जाएंगे, पर ना यार प्लीज मेरे को तेरे रोज रोज चलाने दे देना, एक बार मैंने कभी इतनी महंगी गाड़ी नहीं चलाई है प्लीज। अच्छा अच्छा चल ठीक है चला लियो, बट मेरी गाड़ी कहीं पे ठोकना मत, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, उसके एक स्क्रैच का जो खर्चा है ना पूरे 10 लाख आता है। अरे नहीं नहीं मैं बहुत संभल के चलाऊंगा यार। हाँ फेंकी भैया चलो ना इसकी गाड़ी में घूम के आते हैं, बहुत मजा आएगा। आजा शिनचैन इसकी गाड़ी में घूम के आते हैं यार आज। हाँ तुम क्या याद रखोगे मेरी गाड़ी को यार? थैंक गॉड आज तो मैं इतनी महंगी गाड़ी चलाऊंगा, मजा आएगा मुझे तो। एमआर और शिनचैन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ फेंकी भैया, बहुत मजा आएगा, मैं तो पहली बार इतनी बढ़िया गाड़ी में बैठूंगा, मजा आएगा, मैं तो वीडियोस बनाऊंगा। अरे फेंकी भैया देखा आपने इसका पीछे वाला जो दरवाजा है वो कैसे खुलता है?
बच्चे एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ऐसी होती हैं। फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी को बहुत ही ध्यान से चलाना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी गाड़ी को बहुत ही आराम से चलाएंगे हम, तुम टेंशन मत लो। अरे यार लेमार अभी तो बता दे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली यार। अरे फ्रैंकलिन तेरे को पता है यहाँ से ना एक ट्रेन गुजरती है जिसमें ना कभी कभी बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ियाँ होती है। ये वाली बात ना मैंने किसी दिन ना किसी के मुँह से सुनी थी, तो मैं ना चल गया ट्रेन को हाईजैक करने के लिए और मेरे को सच में वहाँ से ये वाली गाड़ी मिल गई यार। और देख तो सही मेरी किस्मत चमक गई। क्या सच में यार, प्लीज हमारी भी हेल्प कर दे, हमको भी ये वाली गाड़ी चाहिए प्लीज, हमको भी यार ट्रेन की पटरी के पास ले चलना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो अपनी गाड़ी को जल्दी से वहाँ पर ले जा, फिर वहाँ से तुम लोग अपनी गाड़ी चुरा लेना और मैं वहाँ से ही वापस चला जाऊंगा अपने घर। ठीक है यार हम ऐसे ही करते हैं। चल शिनचान आज तो हमको भी एक बहुत ही मस्त गाड़ी मिलने वाली है। अरे बच्चे क्यों मजाक कर रहा है, इतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं होती वहाँ पे, वो भी गोल्ड लैम्बोर्गिनी चाहिए उसको। लैम्बोर्गिनी तो मिली भी जाएगी पर गोल्ड में शायद ही मिले यार। बाकी तुम्हारी किस्मत है यार, कुछ नहीं पता होता किसकी किस्मत में क्या लिखा है यार। हाँ हाँ बिल्कुल ले मार भैया, हम बिल्कुल देखेंगे, देखते हैं आज हमारी किस्मत में कौन सी गाड़ी लिखी है। अरे बस बस फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी को यहीं पर लगा दे और सामने जो है ना रेलवे ट्रैक है वहाँ से जाके तुमको जो वाली गाड़ी चुरानी है वो वाली गाड़ी जाके चुरा लो। ठीक है मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। चल ठीक है लेमार, थैंक यू सो मच, तूने हमको इतना बढ़िया आइडिया दे दिया गाड़ी चोरी करने का। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है बाद में मिलते हैं, बाय बाय। चल यार शिनचान लेमार तो चला गया, बिना हम वहाँ पर रेलवे ट्रैक पास चलते हैं, शायद हमको भी आज कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए उस ट्रेन में से। अरे फिक्की भैया हम रेलवे ट्रैक के पास तो पहुंच गए हैं पर ट्रेन कब तक आएगी? शिनचान बस ट्रेन आती ही होगी यार, तू तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बस जैसी ट्रेन आएगी ना उसको जाके ना मैं लूट लूंगा, फिर हम देखते हैं यार आज हमारी किस्मत में कौन सी वाली गाड़ी लिखी हुई है। बिल्कुल फिक्की भैया मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगा, आप जल्दी से ट्रेन को लूट के आ जाना। अरे शिनचान वो देख ट्रेन आ गई यार, अभी मैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ यार। अरे यार बस आराम से चढ़ जाऊँ, नहीं तो अगर मैं इसमें से गिर गया ना तो बहुत ही गंदी चोट लगेगी यार। चल शिनचान मैं ट्रेन के अंदर चढ़ चुका हूँ, जल्दी से ना मैं इसको रोक लेता हूँ यार। अरे यार कोई पंगा ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें से गिर गया ना तो बहुत ही खतरनाक वाली चोट लगने वाली है मेरे को तो। चलो यार यहाँ पर ट्रेन को मैंने कर दिया है डीरेल, जल्दी से ना इसमें से कोई बक्से को बाहर निकाल के देखते हैं और आज हमको इसमें से कौन सी वाली गाड़ी मिलने वाली है। अरे शिनचान तू आ गया? मैं आ गया। चलो बीच में किसी डब्बे को लग कर दो और देखो कि उसमें से हमको कौन सी वाली गाड़ी मिलने वाली है। हाँ शिनचान अभी बॉक्स को लग करता हूँ यार। चल शिनचान मैंने ट्रेन के डिब्बे को बाहर तो निकाल दिया, बिना इसके ऊपर हम स्टिक बम लगा के ना इसको यहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं। हाँ फिक भी जल्दी कर दो, इसके ऊपर स्टिक बम लगा दो, दो चार। हाँ शिनचान अभी लगाता हूँ, एक और ये एक, दो और ये एक, तीन, पूरे तीन स्टिक बम लगा दिए। शिनचान मैं भी थोड़ा सा पीछे आ जा, मैं यहीं पर ब्लास्ट कर देता हूँ इसको। ये ले शिनचान ब्लास्ट हो गया, ये लोग। अरे फिक भी देखो तुझे क्या मिला। अरे शिनचान ये देख हमको गाड़ी और साथ में इतने सारे डायमंड्स मिले यार। अरे वाह फिक्की भैया आज तो हमारी किस्मत चमक गई, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो और चलते हैं घर में, नहीं तो कोई हमको पकड़ लेगा। अरे शिनचान हमने डायमंड और गाड़ी तो बाहर निकाल लिया, पर अभी ये तो बता डायमंड को इस गाड़ी के ऊपर कैसे रखें, तो बहुत ही हैवी है यार। अरे कोई बात नहीं हो जाएगा, जल्दी से आप ट्राई तो करो। हाँ शिनचान अभी रखता हूँ यार। चल यार शिनचान बहुत ही मुश्किल से डायमंड इसके ऊपर रखे हैं, बस ये रास्ते में गिर ना जाए, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठ जा घर चलते हैं यार, आज तो हमारी किस्मत पूरी पलट गई है यार शिनचान। अरे फेंकी भैया क्या कर रहे हो, गाड़ी को अच्छे से चलाओ ना। अरे शिनचान इसकी स्पीड इतनी फास्ट है, मैं क्या करूँ यार, मेरी क्या गलती है इसमें। सॉरी सॉरी फेंकी भैया, फिर भी ध्यान से चलाना यार, बहुत ही ज्यादा कीमती गाड़ी और बहुत ही ज्यादा डायमंड जो है ना बहुत ही ज्यादा महंगे वाले हैं। चल शिनचान अभी जल्दी से ना हम घर चलते हैं, उसके बाद ना हम इन डायमंड्स को बेच के ना एक नया कार शोरूम जो है ना ओपन करेंगे, जिससे ना हमारे पास पैसा ही पैसा होगा यार। थैंक यू सो मच लेमार, तूने हमारी इतनी ज्यादा मदद कर दी यार, तूने तो हमारी किस्मत ही पलट के रख दी। फैक्ट्री भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेमार कितना अच्छा बंदा निकले ना, उसने हमको गाड़ी के बारे में बता दी और हमको देख लो कितने सारे डायमंड भी मिले गाड़ी में से। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर।